तो हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का काउंसलिंग का जो डेट है वो क्या निर्णय लिया गया, उसके बाद से जो है आप लोगों का कॉलेज में यानी कि पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज से करने में आप लोग से एक सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक टोटल कितना फी लगेगा, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सामने में दिखाई दे रहा होगा ये सारे जो है वो हमारा फी स्ट्रक्चर है। एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया का है, मेरा ही है, उसके बाद से देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और सेशन आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक आप लोग को एडमिशन फ़ी यानी कि एडमिशन फ़ी में आप लोगों को जो है 1000 रुपया लगेगा। उसके बाद से सारा फ़ी डिटेल जो है आप लोग यहां पे देख सकते हैं। देखिए यहां पे 60 रुपया आपको ट्यूशन फ़ी, उसके बाद से 5 रुपया एडमिशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा 1000 रुपया, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपया, उसके बाद से देखिए ऑर्डर फ़ी जैसे कि SDF से रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह ये सब जोड़ जाड़ कर आपको 1000 रुपया लगेगा। हॉस्टल अगर आप लोग लेते हैं तो हॉस्टल का हॉस्टल के अकॉर्डिंग और मेस का मेस के अकॉर्डिंग फ़ी लगेगा। अगर आप हॉस्टल का कुछ ज़्यादा फ़ी नहीं लगता है, बहुत सारे कॉलेज में आपको 3600 रुपया में 6 महीने के लिए हॉस्टल आपको अलॉट कर दिया जाता है। किसी में 3600 लगता है तो किसी में 3000 रुपया लगता है तो किसी में जो है वो 4000 रुपया लगता है। इसी के बीच में आपको हॉस्टल भी लगेगा। तो मैं यहाँ पे हॉस्टल रेफर नहीं किया था, इसीलिए मैं अलग से रूम लेकर आता था, इसीलिए मैं हॉस्टल फी मेरा 0 है। तो टोटल आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी है वो 2565 है। सेकेंड सेमेस्टर में आइएगा तो आप लोग को कोई भी ट्यूशन ऑप्शन कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। और हाँ, ये जो फ़ी है अगर आप लोगों को कैरी बैंक नहीं लगता है पेपर तभी मान्य है। अगर आप लोगों को कैरी बैकलॉग लग जाता है तो जितना पेपर लगेगा उसके अनुसार फिर 1000 रुपया आप एग्जाम्स फी जो है एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद से थर्ड सेमेस्टर में भी देखिए आप लोग को जो है फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें ईयरवाइज होता है, डिप्लोमा में आपका रजिस्ट्रेशन, तो इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो थर्ड सेमेस्टर में देखिए आपका क्या है, 60 रुपया आपको ट्यूशन फी, 5 रुपया एडमिशन फी, उसके बाद से देखिए एग्जामिनेशन फी 1000 रुपया, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन फी 0 रुपया, उसके बाद से देखिए 1000 रुपया जो है SDF रजिस्ट्रेशन फी वगैरह ये सब कुछ इंक्लूड करके इसमें 1000 रुपया, उसके बाद से देखिए टोटल जो है 2065 रुपया। फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ एग्जाम्स फी एग्जामिनेशन फी 1000 रुपया, अगर कैरी है तो इसमें और बढ़ सकता है, अगर कैरी नहीं है यानी कि आप लोग का ऑल पेपर क्लियर है तो इतना ही लगेगा। फिफ्थ सेमेस्टर में सेम है थर्ड सेमेस्टर की जगह, क्योंकि थर्ड ईयर का आपको फिफ्थ सेमेस्टर में आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो 1000 रुपया इसमें एक्स्ट्रा लगेगा, ये लगेगा। उसके बाद से देखिए उसके बाद से सिक्स सेमेस्टर का ओनली एग्जामिनेशन फी 1000 रुपया, उसके बाद से देखिए टोटल जो मेरा फी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा 9695 रुपया जो है हमको कॉलेज में देना होता है, यानी कि कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो उसके बाद से अगर आप लोग हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल के मेंटेनेंस के नाम पे या और भी हॉस्टल का जो चार्ज होता है वो आपका जो है 3000 रुपया से लेकर 4000 रुपया 6 महीना में देना होता है, यानी कि एक सेमेस्टर का। उसके बाद से आप लोग मेस लेते हैं यानी कि अपने से खाना बनाकर नहीं खाते, अगर खाना जो है वो आप लोग कॉलेज से यानी कि मेस से मंगाते हैं तो आप लोगों को जो है उसमें भी अकॉर्डिंग टू मेस और अकॉर्डिंग टू खाना रुपया लगता है, यानी कि जैसा खाना खिलाएगा वही 2500, 2400, 2300, 2200, 2800 इसी के आसपास लगता है। उसके बाद से देखिए आपको कॉलेज में जो है लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगा, वहाँ पर आप लोग लाइब्रेरी फॉर्म फिलअप करके आप लोग लाइब्रेरी से बुक लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग एक्स्ट्रा अलग से प्राइवेट बुक खरीदते हैं तो आपको बुक का भी पैसा लगेगा। ये सारे जो है वो आपको फी स्ट्रक्चर है। आई होप कि आप लोग लाइव प्रूफ के साथ फी स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।